हेलो, मैं गोविंद कुमार गुप्ता पीवीजी ट्रिक की क्लासेज में आज हम लोग देखेंगे 9.1 एक्सरसाइज 9.1 क्लास टेंथ का। अगले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 12, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के, समुद्र तल से 75 मीटर, तो ये क्या है, समुद्र तल है। ठीक है, ये समुद्र तल है और ये हो गया 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। ठीक है, जहाँ से लाइट दिया जाता है। लाइट हाउस के शिखर पर देखने पर दो समुद्री जहाज़ यहाँ से देखें, लाइट हाउस के यहाँ शिखर से देखे जाते हैं तो दो समुद्री जहाज़ हैं। एक समुद्री जहाज़ कितना डिग्री के, 45 डिग्री के कोण पर, और एक समुद्री जहाज़ कितना डिग्री के, 30 डिग्री के कोण पर दिखाई देती है। और दोनों जो है लाइट हाउस के क्या है, एक ही तरफ है। ठीक है, दोनों लाइट हाउस के क्या है, एक ही तरफ है। ठीक है, फिर से पढ़ देते, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। अर्थात अवनमन कोण क्या होता है, यहाँ से ये वाला जो है 30 डिग्री और यहाँ से ये जो है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के, मान लीजिए फर्स्ट जहाज़ यहाँ पे है, सेकंड जहाज़ यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात ये वाला क्या करना है, हमको फाइंड करना है। लाइट हाउस ये है, इसके एक ही ओर है, मतलब एक ही तरफ दोनों हैं। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी क्या करनी है, हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखना है ये कितना है, 75 मीटर। ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। ठीक है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर है। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। अब देखिए इसमें एबीसी में चलेंगे तो आधार और लंब का रिलेशन चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, टेन थीटा लेंगे। आधार और लंब का रिलेशन चाहिए तो क्या लेंगे, टेन थीटा। तो यहाँ पर लेते हैं टेन 45 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार अर्थात ए बी बटा बी सी। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक ए बी का मान कितना दिया है, 75, बी सी का मान कितना है, बी सी, अर्थात बी सी बराबर कितना, 75, बी सी बराबर कितना, 75। अब हम लोग चलते हैं पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर कितना होगा, लंब बटा आधार अर्थात ए बी बटा में डी बी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, और ए बी का मान कितना है, 75 बटा में डी बी। डी बी को हम लोग क्या ले सकते हैं, पूरा डी बी को हम लोग ले सकते हैं, डी सी प्लस बी सी अर्थात डी सी प्लस बी सी। अब हम लोग आगे चलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/√3 बराबर 75, और डी सी का मान कितना है, डी सी का मान नहीं मालूम है तो डी सी रखेंगे, और प्लस बी सी का मान मालूम है कितना, 75 रख लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो डी सी प्लस 75 बराबर ये कितना हो जाएगा, 75√3। तो हमको डी सी बराबर क्या मिलेगा, 75√3। ठीक है, 75√3 माइनस कितना होगा, 75। यहाँ पे 75 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या, √3 − 1। ठीक है, अर्थात पूछ रहा है कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 75 × √3 − 1, या इसका मान रखे तो कितना हो जाएगा, 75 × 1732 − 1, तो हो जाएगा 75 × 1732, एक इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0732। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0732 में मल्टीप्लाई करना है 75, और तीन अंक के बाद क्या है, डेसिमल है, तो हम लोग तीन अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे तो मेरा टोटली आंसर कितना हो जाएगा, 54.9, और ये मेरा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाए। ठीक है, आई बात समझ में? देख लेते हैं, वहीं लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पहले इस त्रिभुज में चलेंगे तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटा में आधार अर्थात बी सी, तो क्या हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, टेन 45 का मान 1, तो 75 बाई बी सी, बी सी बराबर कितना आ गया 75। फिर इस त्रिभुज में चलेंगे ए बी डी में, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बाई डी बी, और 30 डिग्री का मान 1/√3। फिर 75 बाई डी सी, और डी बी जो है वो क्या है, डी सी प्लस बी सी, तो डी सी प्लस बी सी कर दिए, और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देंगे, और इस तरह से मेरा आंसर जो है वह क्या आ जाएगा, 54.9। ठीक है, इस तरह से ये मेरा जो आंसर आ जाएगा ये 54.9, ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 13 था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सुन, 14 पढ़ लेते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। ठीक है, किसी भी क्षण उस लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, पहले जो है भूमि से कितना है, 88.2 मीटर ऊंचा एक गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, और एक लड़की जो है वो किसी क्षण देखती है, तो उसका जो गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। अब क्या करता है कि गुब्बारा, अब गुब्बारा तो क्या हो रहा है कि उड़ता है। ठीक है, तो गुब्बारा उड़ रहा है तो धीरे धीरे जो गुब्बारा है, और पहले जो है लड़की यहाँ पे मान लो खड़ी है, लड़की यहाँ पे खड़ी है। ठीक है, मान लो यहाँ पे है, और ये कितनी है, 1.2 मीटर है। ठीक है, लड़की की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.2 मीटर लंबी है, तो देखेगी तो आँख से ही देखेगी। ठीक है, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक पॉइंट जो हो गया 88.2। अब जो एक जगह अस्थिर होकर अगर वो देख रही है, तो एक बार गुब्बारा जो देख रही है वो उसके जस्ट पास है, तो पास में क्या होता है कि थीटा का मान अधिक होता है, अर्थात पास में थी तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा था, 60 डिग्री का। अब यही गुब्बारा उड़ कर क्या चला जाता है, कुछ दूर चला जाता है। ठीक है, तो अब एंगल कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। अब एंगल कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए उन्नयन कोण जो बन रहा है वो कितना, 1.2, अर्थात उसकी आँख पर, तो इसके लिए ऊंचाई जो हम लेंगे केवल यहाँ से यहाँ तक लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी, क्योंकि इसमें से 1.2 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगी, 87। तो अब पूछ रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अर्थात पहले गुब्बारा यहाँ था, अब यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इसके बीच की जो है वो दूरी ज्ञात करनी है हमको। क्या ज्ञात करनी है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, समान जिसको मान लेते हैं ए बी सी डी और ई, तो पहले हम लोग चलते हैं इसमें। ठीक है, त्रिभुज गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई नहीं है 87 है। ठीक है, गुब्बारे की आँख से गुब्बारे की ऊंचाई कर लेते हैं, तो 14 आँख से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, 87 है। लड़की के आँख से जो है गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, 87 है। अब हम लोग चलते हैं, हमको निकालना है बी डी का मान। ठीक है, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बी डी की दूरी बी डी हो जाएगी। ठीक है, दूरी जो है वो बी डी है, और इस बी डी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, पहले ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में चलेंगे तो कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बी सी। टेन 60 का मान कितना, √3। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 87 और बी सी का मान नहीं मालूम है, तो बी सी बराबर क्या करेंगे, 87/√3। अब त्रिभुज, अब चलते हैं त्रिभुज ई सी डी या ई डी सी में,
EDC में चलेंगे तो कितना डिग्री, 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री बराबर कितना होता है, ED अपोन में, क्योंकि लंब बटा में क्या होता है आधार, और इसके लिए आधार पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ED अपोन में CD। तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3, ED का मान कितना है, ई से डी का मान कितना है 87, CD का मान कितना है, सी से डी का मान जो है वो BC+BD है, CD का मान जो है वो कितना है BC+BD, ठीक है, 1/√3 बराबर 87/BC+BD, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC+BD बराबर 87√3। अब BC का मान क्या करेंगे, यहाँ से रख देंगे तो BC का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 87/√3 प्लस BD बराबर 87√3। अब इसको क्या करेंगे, उधर ले जाकर माइनस कर देंगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 87√3 माइनस 87/√3। इसको LCM लेंगे तो हो जाएगा मेरा BD बराबर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 से 7 87 में गुणा करेंगे तो 3 7 21 का 1, और 3 8 24 और 2 26 261 माइनस, ये कितना हो जाएगा 87/√3। अब हम लोग BD का निकालेंगे तो BD बराबर क्या करेंगे, अब 261 में से 87 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 4 हो जाएगा, 1 11 में से 7 जाएगा 4, ये बचा 5, 5 में से फिर क्या करेंगे 15, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 174 हो जाएगा बटा में √3। अब इसको परमीकरण कर देंगे तो √3 × √3 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 174 बटा में 3 × √3, और 3 से कटाएंगे तो 3 8 3 5 15 2 और 3 8 24 अर्थात 58√3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 58√3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या करें, 1060 से लेकर BC का मान निकालेंगे, ठीक है, BC का मान निकल कर फिर क्या करें, 1030 डिग्री में चलेंगे तो 1030 डिग्री बराबर ED/CD, और 1030 डिग्री का मान 87, और ED CD जो है वो CD जो है पूरा किसका मिलकर होना हुआ है, BC+BD का, तो BC+BD कर देंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये BC का मान यहाँ से रखने पर, BC का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे तो 87/√3 + BD बराबर 87√3 हो जाएगा, ठीक है, और BD बराबर कितना, 87√3 माइनस 87/√3, और BD बराबर हो जाएगा 261 माइनस 87 बटा में √3, इसलिए BD बराबर निकालेंगे हम लोग, परमीकरण कर देंगे तो परमीकरण करने के बाद कितना आ जाएगा, 58√3 अर्थात 58√3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हो गए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सीधा राजमार्ग पर एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग है, सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक, पाद का मतलब पांव तक जाता है, ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण के साथ देखता है, यहाँ पे शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को कितना डिग्री पर देखता है, 30 डिग्री पर देखता है, ठीक है, नंबर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु को एक समान चाल से इधर ही, एक समान चाल से इधर क्या कर रही है, चल रही है उसके मीनार के पाद बिंदु की ओर, ठीक है, और जब मीनार के पाद बिंदु की ओर एक समान चाल से चलती है तो 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, 6 सेकंड बाद ये कितना डिग्री हो जाती है, 60 डिग्री, इतना देर में कितना समय ली, 6 सेकंड, 60 डिग्री हो जाती है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय तो ये है 6 सेकंड, तो अब हमको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक कार द्वारा पहुंचने में कितना समय लिया गया है, ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन को, A, B, C और D, तो अब हम लोग करेंगे तो पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है मीनार की ऊंचाई दी गई है, मीनार की ऊंचाई
ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच है। माना कि मीनार की ऊंचाई एच है, ठीक है। तब चलते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में टैन 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी, और टैन 60 का मान अंडर रूट 3, और ए बी का मान कितना है एच बाई बी सी। हम लोग एच बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बी सी, ठीक है। अब त्रिभुज चलते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में चलेंगे तो कितना होगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन में, ए बी अपॉन में बी डी, ए बी अपॉन में बी डी, टेन 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3 बराबर ए बी का मान कितना है एच, और बी डी का मान कितना है नहीं मालूम है, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा बी डी बटा में अंडर रूट 3, बी डी बटा में अंडर रूट 3, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो दोनों एच का ही मान है, ये एच का मान अंडर रूट 3 बी सी और एच का मान बी डी अपॉन में 3, तो इक्वेशन एक और दो से अंडर रूट 3 बी सी बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से क्या करेंगे तो 3 बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी, 3 बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी डी। अब अगर हम लोग को डी सी निकालना हो तो डी सी बराबर निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, चूँकि डी सी बराबर कितना हो जाएगा, डी सी बराबर पूरा बी डी, ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे बी डी, पूरा बी डी में से क्या माइनस कर देंगे बी सी, बी डी में से माइनस कर देंगे बी सी। अब जो है बी डी जो है बी डी कितने बराबर है 3 बी सी के, 3 बी सी में से एक बी सी जाएगा तो कितना बचेगा 2 बी सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 2 बी सी, तो चूँकि 2 बी सी दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकेंड है, इसलिए बी सी दूरी, इसलिए बी सी दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा 6/2 अर्थात 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 बी सी मतलब दोगुना दूरी तय करने में, चाल अगर सेम हो तो दोगुना दूरी तय करने में दोगुना समय लगेगा, ठीक है, इसलिए अर्थात 2 बी सी दूरी तय करने में 6 सेकंड लगता है, तो केवल बी सी तय करने में कितना लगेगा 6/2 अर्थात 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यहाँ पर सुनिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 3 बी सी बराबर बी डी, जबकि हमको दिया है टाइम इसका डी सी का, तो डी सी निकाल लेंगे, चूंकि डी सी बराबर बी डी माइनस बी सी अर्थात 2 बी सी, अर्थात 2 बी सी को तय करने में वो कितना दूर समय लग रहा है 6 सेकंड, तो बी सी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मीनार के आधार से, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए, क्वेश्चन 16 है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक हैं, ठीक है, एक मीनार है, मीनार के 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 9 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, अगर मान लीजिए पूरक का मतलब कि दो कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये अगर थीटा है ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है,
सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। जब भी ये कोटि पूरा पूरा कोण रहता है तो डायरेक्ट मीनार की ऊंचाई अगर h निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों दूरियों का मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देता है, अर्थात 9 × 4 न 6 के कितना हो जाएगा 36, और 36 का क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये ट्रिक हो गया, लेकिन बेसिक देखते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं हम लोग ए बी सी और ये डी। तो चलते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई h है, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है h है। तो अब चलते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन में बी डी, टेन थीटा का टेन थीटा ही होगा। ठीक है, ए बी का मान कितना है h, और बी से डी का मान कितना है 4। ठीक है, बी से डी का मान कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा टेन थीटा बराबर h/4। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब समकोण त्रिभुज क्या देखते हैं ए बी सी में कितना हो जाएगा टेन 90 − थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन 90 − थीटा बराबर ए बी अपॉन में बी सी, टेन 90 − थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी, ए बी कितना है एच, बी सी कितना है 9 h/9। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को गुणा करने पर, 2 को गुणा करने पर क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर h/4 मल्टीप्लाई h/9। तो हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर ये हो जाएगा h² / 36, तो h² बराबर क्या हो जाएगा 36, तो h बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि h² बराबर कितना है 36 है, तो ये जाएगा तो उधर अंडर रूट हो जाएगा, और 36 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करके प्रूफ कर दें। अगर ट्रिक से कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर मल्टीपल में आए तो डायरेक्ट जो अगर ये दोनों पूरा कोण होता है तो इन दोनों की दूरी का मल्टीपल अंडर रूट में कर देते हैं, तो ये मेरा क्या होता है ऊंचाई निकल जाती है। ठीक है, तो अंडर रूट क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लिए। ठीक है, वीडियो को रोक कर आराम से देखें, एक बार दो बार देखें, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगले चैप्टर के लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमें कि कौन सा अगला चैप्टर आप लोग चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।